हेलो फ्रेंड्स, वीडियो की इस नई सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर एमपी शर्मा। अपन अनेक उन लोगों को जानते हैं जो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, अपन उन लोगों को भी जानते हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं, और इसका कारण है उनकी अपनी अपनी इम्यूनिटी, अपनी अपनी प्रतिरक्षा, उनके अंदर रोगों से लड़ने की कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है। इम्यूनिटी शब्द ये बना है इम्यूनिस से, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है टू एग्जम्प्ट, छूट मिल जाना, बीमारियों से छूट मिल जाना। मनुष्य की एक जान के पीछे हजारों दुश्मन हैं। मनुष्य के दुश्मन उस वायु में भी हैं जो अपन श्वास में अंदर प्रवेश करा रहे हैं फेफड़ों में। मनुष्य के दुश्मन उस जल में भी जो अपन पी रहे हैं, उस भोजन में भी हैं जो अपन खा रहे हैं, उस जगह है जहाँ अपन घूमने जाते हैं, जहाँ किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, वहाँ भी दुश्मन है। मनुष्य के दुश्मन हर जगह हैं लेकिन नज़र नहीं आते, क्योंकि वो सूक्ष्म हैं, माइक्रोबियल पैथोजेंस हैं, और उनमें बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, फंजाई, कवक और कई सारे पोलन ग्रेन्स जो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं मनुष्य में। ये सूक्ष्म जीव हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन हैं सब जगह पर, और इनसे हम बचे रहते हैं। हमारे में एक सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। इस सीरीज में अपन छोटे छोटे वीडियो में समझेंगे कि प्रतिरक्षा क्या है, कितने प्रकार की है, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती हैं, टीकाकरण क्या होता है, WBC क्या काम करती हैं, कितनी तरह की हैं, एलर्जी क्या होती है, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स क्या है, तथा कुछ बीमारियाँ जो हमारी प्रतिरक्षा में विकार उत्पन्न होने के कारण होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, उनको भी समझेंगे। इस पार्ट फर्स्ट में अपन समझते हैं कि इम्यूनिटी कितनी तरह की है। तो मुख्य रूप से इम्यूनिटी दो प्रकार की है। एक वो इम्यूनिटी जो हमें जन्म से मिलती है, जन्मजात इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा, जिसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। और दूसरी तरह की इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो अर्जित करते हैं, जीवन काल में अर्जित करते हैं। जैसे टीका लगने के बाद में जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, वो उदाहरण है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो पहले बात करते हैं अपन इननेट इम्यूनिटी, हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा, ये कितनी तरह की है और क्या क्या है इसको समझते हैं पहले। जन्मजात प्रतिरक्षा चार प्रकार के बैरियर से मिलकर बनती है, और ये बैरियर या तो पैथोजन को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं, और यदि किसी तरह से पैथोजन अंदर प्रवेश कर जाए तो उसको मारते हैं, उसका भक्षण करते हैं, उसका गुणन रोकते हैं, या उसको फैलने से रोकते हैं। ये चार प्रकार के बैरियर मिलकर इननेट इम्यूनिटी बनाते हैं। इनमें सबसे पहला बैरियर है एनाटॉमिकल बैरियर। संरचना इस तरह की हो जिससे बैक्टीरिया, वायरस अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके, और ये तीन प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनता है। इसमें पहला है केराटिनाइज्ड सेल्स, हमारी त्वचा की ये मृत कोशिकाएं हैं। ये हमारी त्वचा है, जैसे सबसे नीचे की परत जीवित कोशिकाओं की है, और ये कोशिकाएं डिवाइड होकर ऊपर की ओर नई नई सेल्स बनाती हैं। जैसे जैसे सेल ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, वैसे वैसे मृत होती चली जाती हैं, इनके अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन बन जाता है। तो केराटिनाइज्ड सेल्स कहलाती हैं ये, और ये केराटिनाइज्ड सेल्स ऊपर की ये बैरियर का काम करती हैं, इनको पार करके कोई पैथोजन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये केराटिनाइज्ड सेल्स की लेयर केमिकल्स के लिए भी अवरोध करती है, केमिकल बैरियर भी है वो, पैथोलॉजिकल बैरियर भी है और केमिकल बैरियर भी है। यदि कोई खराब रसायन हमारे त्वचा पर गिर गया तो हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अंदर नहीं जाने देगा हमारा ये स्तर उस केमिकल को। लेकिन यदि खुला घाव है और खुले घाव के संपर्क में आ गया कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगल स्पोर खुले घाव के संपर्क में आ गया तो आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसलिए घाव खुला कभी नहीं रहना चाहिए। यदि कहीं चोट लग जाए काम करते करते तो सबसे पहले उस घाव को कवर करना चाहिए। तो शरीर की जितनी बाहर की परत है वो सारी की सारी केराटिनाइज्ड सेल्स की बनी हुई है, लेकिन शरीर का अंदर का भाग है लेकिन बाहर की चीज़ों के संपर्क में आता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो वायु के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगल स्पोर अंदर पहुँचते हैं, और वहां की सेल्स डेड नहीं हो सकती, क्योंकि यदि अंदर की सेल डेड हो गई तो गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा, सांस कैसे लेंगे। तो उसके लिए प्रकृति ने क्या व्यवस्था की, ये लिविंग सेल्स हैं हमारी,
और ये ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं, इनके ऊपर ये म्यूकस की एक परत बना दी पतली सी, और ये म्यूकस की परत नहीं आने देगी पैथोजेंस को इन सेल्स के संपर्क में, सेल्स के संपर्क में ये म्यूकस नहीं आने देगा पैथोजेंस को, तो उसको उलझा लिया, बैक्टीरिया वायरस यहीं उलझ करेंगे, सेल्स के संपर्क में नहीं आए। तो बाहर की तरफ तो केराटिन युक्त कोशिकाएं और अंदर की तरफ म्यूकस, जिस म्यूकस को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है, घिन की दृष्टि से देखा जाता है, वो म्यूकस हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसी तरह से जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर बहुत तरह के बैक्टीरिया वायरस फंगल स्पोर्स होते हैं, तो वहाँ भी म्यूकस की परत होती है, और म्यूकस की यह परत रक्षा करती है हमारी पैथोजन से। और तीसरा है सीलिया। अब जो बैक्टीरिया वायरस यहाँ ट्रैप हो गए, उलझ गए, वो तो यहीं रह जाएंगे, तो उनको बाहर धकेलने का काम करते हैं छोटे छोटे रोम की तरह की संरचनाएं, जिनको सीलिया कहते हैं, ये बाहर धकेलते हैं, और हम जानते हैं कि खांसी आती है, छींक आती है, ये सब चीज़ों को बाहर निकालने के लिए होती है। तो तीन प्रकार की संरचनाएं मिलकर बनाती हैं एनाटोमिकल बैरियर, जो पैथोजेंस को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं। दूसरे प्रकार का बैरियर, और वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, कार्य की अवरोध। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो खाना खाने के बाद में स्टमक में आमाशय में स्रावित होता है, सीक्रेट होता है, और बैक्टीरिया और वायरस को समाप्त करता है, पैथोजेंस को समाप्त करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। अगला प्रकार समझते हैं अपन टीयर्स और सलाइवा। इनका मीडियम, इनका माध्यम एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम समाप्त कर देता है पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को वायरस को समाप्त कर देता है। तो हमारी आइज का बचाव होता है आंसुओं के द्वारा। आंसू एक तो फ्लश करते हैं बैक्टीरिया वायरस, यदि कुछ चिपकते हैं तो उसको धो देते हैं, और इनके अंदर जो एसिड होता है वो बैक्टीरिया को मार देता है। इसी तरह से लार का पीएच भी एसिडिक होता है, और मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम ये लार करती है, इसका ये एसिडिक मीडियम करता है, क्योंकि यहाँ पर वो तरीका काम नहीं आ सकता था डेड सेल्स का, क्रिटाइज सेल्स का और म्यूकस का, तो ये दो अलग तरीके अपनाए नेचर ने। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाइसोजाइम, ये एक प्रोटीन है जो एंजाइम का काम करता है, और इसका काम बैक्टीरिया की सेल वाल को तोड़ना है, लाइसोजेनी कहते हैं इसको, ये काम करने वाला एंजाइम लाइसोजाइम, और ये लाइसोजाइम आंसुओं में भी है और लार में भी है। तो आँखों के पास में यदि कोई बैक्टीरिया है जो एसिडिक पीएच के कारण, अम्लीय माध्यम के कारण नहीं मर रहा है और चिपका हुआ रह गया, तो उसको मारता है ये लाइसोजाइम। इसी तरह से मुंह के अंदर जितने बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मारता है ये लाइसोजाइम। और शायद इसीलिए एक मत ये भी है कि सुबह उठते ही कुल्ला करके पानी को थूके नहीं बल्कि उसको निगल लें, जिससे ये लाभदायक चीज़ें हमारे पेट में पहुँच जाएँ और वहाँ के संक्रमण को रोकें। और यदि आँखों में इन्फेक्शन है तो उस कुल्ले से अपन आँखों को धोएं, जिससे आँखों के संक्रमण दूर हों। नेक्स्ट है इंटरफेरोन। हमारी जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वहाँ से एक खास तरह का कंपाउंड निकलता है जिनको इंटरफेरोन कहते हैं। ये आसपास फैलता है और आसपास की सेल को रेजिस्टेंट बना देता है, जिससे उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा, इंटरफेरोन के द्वारा कुछ इस तरह की प्रोटीन भी निकलती हैं जो आसपास की सेल्स तक पहुंचकर उनको रेजिस्टेंट बना देती हैं, उनके अंदर संक्रमण नहीं फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीवर का, बुखार। बुखार के कारण पैथोजेंस की साइकिल रुक जाती है, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका जनन रुक जाता है, जिससे उनकी संख्या नहीं बढ़ती और उनकी संख्या निश्चित रहती है, उसको हमारा प्रतिरक्षा तंत्र आसानी से समाप्त कर देता है। तो संक्रमण को समाप्त करने में बुखार भी सहायक है, केवल इसका नेगेटिव पार्ट ही नहीं है कि बुखार से हम परेशान हो गए, इससे फ़ायदा भी होता है। इंटरफेरोन के बारे में एक बात और, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस के इलाज में, उसकी चिकित्सा में इंटरफेरोन का उपयोग होता है। पहले एक बार कभी ये माना गया था कि शायद ये कैंसर के लिए भी उपयोगी हों, उसकी चिकित्सा भी हो सके इससे, लेकिन कैंसर के इलाज में इंटरफेरोन सहायक नहीं है। इननेट इम्यूनिटी के दो पार्ट अपने पूरे किए, एक एनाटोमिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, दो पार्ट अभी बचे हुए हैं। वीडियो अधिक लंबा नहीं हो इसके लिए इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे बाकी के बचे हुए दो बैरियर्स।
अब एक आवश्यक बात, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं इस सीरीज के पार्ट नंबर 2 में, जिसमें अपन समझेंगे इननेट इम्यूनिटी के बाकी 2 बैरियर्स। तब तक के लिए बाय।